आज जो हमारे गेस्ट हैं अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पर उनकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन आज की डेट में है फाइव बिलियन डॉलर्स की प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू दी को-फाउंडर ऑफ शेयर चैट अंतुज संदेवा सर ऑल यू डू प्लीज हाउसी बैठिए जी आई एम वेरी एक्साइटेड संदीप सर आपको देखा बहुत बार देखा है इनफैक्ट जो बीच में घर जाता था कानपुर से मैं कानपुर में, में मेरा कॉलेज था कई बार मेरी मिनिमम रात को सुनती थी कुछ मैंने कहा ये क्या सुनते हो आप तब उन्होंने बताया कि वो आपको सुनती थी रात को अच्छे थाट्स लाने के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ मैं आज बैठा हूँ और आई एम श्योर मतलब मैं जितना भी ट्राई करूँगा हेल्प करने का ऑडियंस uh, को मोटिवेट करने का अपनी जर्नी शेयर करने का आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई मतलब एग्जैक्टली exactly क्या हुआ कैसे हुआ तो हमने चौदह डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किए थे शर्ट चैट के आने से पहले कॉलेज में मैं और मेरे को फाउंडर्स हम लोग तीन लोग थे आ, आप कौन से कॉलेज से पास आउट है आई कानपुर आई कानपुर से तो पहला प्रोडक्ट हमने बनाया एक रियल इस्टेट प्रोडक्ट कि लोग जब घर खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज देखते हैं कि क्या लोकेशन है यहाँ पे क्राइम कितना होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी के बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं तो वो हमने बनाया कहीं गया नहीं प्रोडक्ट फिर हमने कुछ और बनाया ऐसे करते करते हम फाइनली पहुँचे शेड चैट पर और वो भी इंटरेस्टिंग था कि हम लोग ये तब तक मेरा फोर्थ ईयर हो गया था ऑलमोस्ट प्लेसमेंट के टाइम हम बना रहे थे एक ऐप ओपिनियो इसके पहले वो था डिबेटिंग ऐप कि सचिन वर्सेस विराट का एक डिबेट चल रहा है आप आइए अपना कमेंट डालें और जिसके कॉमेंट्स ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा वो साइड जीत गई मतलब सिंपल सी ऐप थी और उस पर मतलब ट्रैफिक आ नहीं रहा था तो मैं था फोर्थ ईयर में कॉलेज में बैठा हुआ था आ, अपने हॉस्टल रूम में मैं वो लिंक जाके फेसबुक ग्रुप में डाल रहा था जगह जगह कि कुछ तो लोग कि सचिन के फैन क्लब में जाते हैं बोलते हैं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर का डिबेट चल रहा है तो आके पार्टिसिपेट करें तो लोग आएंगे तो एक सचिन फैन क्लब में मुझे एक पोस्ट दिखा जिसमें था व्हाट्सएप का लोगो और एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मैं बना रहा हूँ सचिन का व्हाट्सएप ग्रुप अपना फ़ोन नंबर डालें इस पोस्ट के नीचे पचास हज़ार लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ है रियल नेम रियल फोटो और मुझे लग रहा है यार ये कैसे हो रहा है कि पचास हज़ार लोग अपना रियल फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तो मैंने कहा यार करके देखते हैं हज़ार लोग को मैंने फ़ोन नंबर निकाला अपने व्हाट्सएप में डाल दिया और दस ग्रुप बना दिए व्हाट्सएप के और उनका नाम रख दिया सचिन वीडियो सचिन फ़ोटो सचिन मीम जैसे करके कि सचिन का इनको चाहिए था व्हाट्सएप ग्रुप तो बना के देखते हैं एक घंटे बाद मैं वापस आता हूँ अपना दरवाज़ा खोलता हूँ उस रूम का मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा है और वाइब्रेट हो रहा है कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट हो रहा है मैंने उठाया हर ग्रुप में सौ हंड्रेड दो सौ हंड्रेड मैसेज पढ़े और ये सौ स्ट्रेंजर्स हैं सौ लोग जो आपस में जानते नहीं एक दूसरे को मैंने उनको उठा के ग्रुप में डाल दिया कोई कंप्लेन नहीं कर रहा सब लोग बहुत खुश हैं कि हमें कॉन्टेंट मिल रहा है और सब लोग हिंदी बात बात में बात कर रहे हैं तमिल में बात कर रहे हैं तेलुगु में बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने कहा हमें एक ऐप बनाएंगे शेयर चैट जिसमें आपको सारा वायरल ट्रेंडिंग कंटेंट आपकी भाषा में एक ऐप में मिलेगा तो वहाँ से शुरू हुआ था शेट चैट ये दो हज़ार चौदह की बात है जब हमने देखा और इनफैक्ट ये जो ऑब्जरवेशन था फेसबुक ग्रुप वाला ये मेरे प्लेसमेंट के दो दिन पहले था मैंने घर पे कॉल किया मम्मी मैं नहीं बैठ रहा प्लेसमेंट में मेरे को एक आइडिया आया मैं वो करना चाहता हूँ तो वही घर वालों ने बोला कि यार बेटा आईटी गया है इतनी मेहनत करी है तो अब अब आखिरी मोमेंट पे क्यों ऐसे कर रहा है बट मैंने कुछ कुछ करके कन्विंस किया मैंने कहा दो साल दे दो मेरे को दो साल में अगर नहीं हुआ तो मतलब कर लेंगे मतलब जॉब कहाँ जा रही है डिग्री तो है डिग्री तो है ही फिर मैंने वो किया फिर मैं ट्रेन लिया मेरे को फाउंडर्स मुंबई में थे वो सीनियर तो ग्रेजुएटेड थे वो तो मैं मुंबई गया आ, हमने मैंने सेम चीज दिखाई उनको कि देखो क्या चल रहा है फेसबुक पे फिर वहाँ से शुरू हुआ शेर चैट बट अब अगर देखा जाए आज की डेट में तो आज की डेट में तो बाकी भी एप्स यूज होती हैं तो हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दो प्रोडक्ट्स मतलब डिफरेंस क्या है उसमें जब आप कोई ऐप ज्वाइन करते हो मतलब फेसबुक ट्विटर टाइप लार्जली इन ऐप्स में आपको या तो फ्रेंड बनाना होता है या फॉलो करना होता है और फिर आपकी फ़ीड बनती है हमने पहले दो साल सेम चीज़ ट्राई करी कि यार हम लोग पब्लिक प्रोफाइल्स uh, मतलब हम लोग फ्रेंड नेटवर्क तो है नहीं हम लोग पब्लिक प्रोफाइल्स लेके आएंगे फॉलोवर दी प्रोफाइल्स लोग आएंगे उनको फॉलो करेंगे उनकी फीड बनेगी और वो यूज़ करेंगे ये हमने दो साल ट्राई किया इससे मतलब हम जो रिटेंशन मेजर करते हैं कि कितने लोग आए और रुके ऐप में वो बिल्कुल नहीं बढ़ा बट हमारी एक छोटी सी टीम थी जिसने ये कहा कि हम फॉलो वॉ नहीं कराएंगे हम सीधा देखेंगे आपका क्या लाइक like हो रहा है क्या शेयर हो रहा है क्या फेवरेट हो रहा है उससे हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे जिससे आपको हम बेटर फीड देंगे बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट योर इंटरेस्ट तो हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट कि ग्राफ होना चाहिए आपको फॉलो करना चाहिए हटा दिया डे वन पे आप आए हो आपको फीड मिली आपने लाइक like करा आपको वैसा कॉन्टेंट और मिल रहा है तो हमारा सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएटर ये था कि जब बाकी वेस्टर्न सोशल नेटवर्क आपसे ये सब स्टेप पर आती थी, थी और आप इमेजिन करें इतने सारे लोग इंटरनेट में नए हैं किसी को फॉलो करना अब एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया बट जब कोई इंसान पहली बार इंटरनेट पे आता है अरे आप यूज़ करते हैं फॉलो का मतलब क्या पीछा करो हिंदी में तो समझ नहीं आता ना क्यों क्यों फॉलो करें तो एक सिंपल इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि मैंने दस एम खर्च करके ऐप डाउनलोड करी कॉन्टेंट ऐप में मुझे कॉन्टेंट दो क्या इसके पीछे ये भी रीजन था बिकॉज इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली इट्स लाइक चिकन एंड एग सिचुएशन कि जब तक बड़े क्रिएटर्स नहीं होंगे hmm. तब तक उनको कोई फॉलो नहीं करेगा छोटे को कोई क्यों करेगा hmm. और जब तक फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक बड़े क्रिएटर्स नहीं आएंगे तो वॉज दैट द इश्यू बिकॉज ऑफ विच यू थॉट ऑफ कि इस पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं एक तरह से था

आज की टेक्नोलॉजी है कि हम फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए आप बस आप वीडियो देखिए लाइक करिए फेवरेट करिए वॉच जो करना आप है आप करिए नॉर्मल एक्टिविटी हम फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए आ, क्योंकि अगर किसी ने किसी को फॉलो किया भी या सब्सक्राइब किया भी तो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि आज उसने किया कल उसका इंटरेस्ट है या नहीं है कल उसका इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है प्लस उसने हजार को फॉलो किया उसमें से कौन सा दिखाओगे दिखाओगे तो वही जिसको वो बार बार कंज्यूम कर रहा है yes, yes, yes. तो जब वही दिखाना है तो इससे अच्छा उसी का हमने एक क्लस्टर्स बना दिए और वो हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसको हम दिखाते चले जा रहे हैं इनफैक्ट अभी सारे जितने आप देख रहे हैं फॉलो वाले या फ्रेंड वाले सोशल नेटवर्क कोई भी अब गारंटी नहीं करता रीच

तमिल आयुर्वेदिक कंटेंट बना रहा है बहुत ही छोटी ऑडियंस है उसकी कंपेयर टू तो कोई डांस या हूमर वीडियो बना रहा है तो वहाँ पे एल्गोरिथम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे आप फिगर आउट करो जब कोई एक वीडियो आए कि क्या इसकी राइट ऑडियंस है तो हमारा बिजनेस एट द कोर इज़ वॉट हम लोग एक एल्गोरिथम है हर कॉन्टेंट को उसकी डिजर्विंग ऑडियंस दिलाना हमारा काम है चाहे वो शेयर चैट हो या मौज तो ये हमारा कोर बिजनेस है और इसमें मतलब क्रिएटर्स को कैसे इंसेंटिवाइज रखें जब कोई क्रिएटर बड़ा हो जाए हाउ डू वी मेक हेल्प द मेक मनी तो ये सब वी आर डूइंग नाउ बट इट इज लार्जली यूजीसी कुछ बड़े पब्लिशर्स भी हैं मतलब बड़े न्यूज वो सब भी uh, अब आ गए हैं बट लार्जली आई वुड से लार्जलीसेंट अभी भी यूजीसी कंटेंट है बट उनके लिए इंटरेस्ट क्या है जैसे कोई बड़ा क्रिएटर है अगर वो आकर यहाँ पर अपना कॉन्टेंट डालता है तो रेवेन्यू मॉडल क्या है क्या रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट है? तो हमारे है? दो रेवेन्यू मॉडल है एक है मतलब ब्रांड uh, डील्स uh, आपका अगर जैसे यूट्यूब होता है सिमिलर मॉडल है कि आपकी वीडियो आपने डाली है बीच में ऐड आएगा अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं तो आप ब्रांड के हेत तो कोलेबरेट कर सकते हैं विद इन योर वीडियो कैन प्रेस द प्रोडक्ट्स एक और हमारा बहुत यूनिक रेवेन्यू स्ट्रीम है वर्चुअल गिफ्टिंग अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं मॉच पे या शेयर चैट पे आप लाइव जा सकते हैं और आपके फैंस आपको पेमेंट कर सकते हैं मतलब आप गिटारिस्ट हो आप गिटार बजा रहे हो आपके फैंस को अच्छा लगा वो आपको तुरंत वर्चुअल गिफ्ट भेज सकते हैं वर्चुअल से वर्चुअल रिंग जो कि एक्चुअल टेन रुपीज़ से वो खरीदेंगे कॉइन और फिर आपको वर्चुअली गिफ्ट करेंगे एंड ये बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है अभी हमने इस साल करीब 400 करोड़ के क्रेडिट इंसेंटिव करें इंडिया में सबसे लो मोमेंट आपका कौन सा था शेयर चैट की पूरी की पूरी जर्नी में आई थिंक ऐसे काफी काफी मोमेंट थे नियर डेथ मोमेंट्स थे इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे बचे नहीं थे पैसे खत्म हो गए थे कंपनी के अंदर फंड रेज हो नहीं रहा था दैट वॉज इन विच ईयर 2015 फिफ्टीन एंड की बात है ये तब हमने कुछ कर करा के लकीली, ली वी वर एबल टू गेट सीरीज ए डन और हम सैलरी दे पाए थे uh, लोगों की बट वो एक नियर डेथ मोमेंट था कि हमको लगा यार अब बस सब खत्म हो गया है और अब अगर आज की डेट की बात करी जाए तो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप क्योंकि यहाँ पर वो प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं अब तो वैसे आपकी भी काफी अच्छी <laughs> हो गई हाँ, मतलब like जिनके mm. पास में बहुत हैं mm. और उनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बना हुआ है एक mm. network effect है उन लोगों के पास में इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजर्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग तो व्हाट डिफ्रेंशियट यू एट दिस पॉइंट इन टाइम मतलब अगर एक यूजर की बात करी जाए जो अभी देख रहा है mm. वो क्यों आपकी ऐप आप को डाउनलोड करें ऐसा क्या है उसके अंदर तो आई थिंक ये ये क्वेश्चन हमको शुरुआत से आ रहा है मतलब डे पे हमने जब शुरू किया तो तब भी लोग थे बहुत बड़े बड़े लोग थे इनफैक्ट uh, हमको नाइनटी परसेंट इन्वेस्टर्स ने मना किया था डे वन पे कि क्यों क्यों हो होगा इंडिया का क्यों होगा एक सोशल नेटवर्क तो आई थिंक उससे तो हम काफी आगे आ गए हैं मतलब तो तो हमारे टोटल चालीस करोड़ लोग हैं जो शेयर चैट मौत से टुगेदर कंबाइंड uh, जुड़े हुए हैं एक्टिव यूजर्स तो आई थिंक हमारा एक अपना बेस है स्पेशली रीजनल लैंग्वेज में तो क्या ये और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो रहा है मतलब रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं इतनी डेप्थ नहीं है सो तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हम जब देखते हैं अपने बिजनेस को तो शुरुआत होती है कॉन्टेंट की बहुत पॉपुलर कॉन्टेंट से ह्यूमर है मीम्स है डांस है बट रियल वैल्यू कब आती है प्लेटफॉर्म की जब आप एकदम लॉन्ग टेल कुछ सॉल्व कर रहे हैं जैसे मैंने बोला कि मलयालम में आयुर्वेदिक कंटेंट की एक कोई क्रिएटर है उसकी छोटी ऑडियंस होगी बट जब वो ऑडियंस को वो कंटेंट मिलेगा वो उस प्लेटफॉर्म पे स्टिक करेगा तो पॉइंट ये कि आप कैसे वो लॉन्ग टेल बनाए और इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है मतलब जितनी हम 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 फिफ्टीन लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं शेट जट मॉच बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में भी टीयर में भी मतलब कोई दिल्ली से है तो कोई इलाहाबाद से है उनमें उनके कॉन्टेंट प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होंगे तो आई थिंक हमारा अपना एक ऑडियंस है जो हमने कैप्चर किया है बाकी लोगों का अपना एक ऑडियंस है हमारे पास इनफ कैपिटल है कि हम इन्वेस्ट करते रहें हम और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट राइट right? हमारा जो बीच में एल्गोरिथम है वो हम स्ट्रॉन्ग करते रहे तो हमने इनफैक्ट ये सबसे हार्ड पार्ट है इस बिज़नेस का तो हमने दो uh, में सोचा यार देखो हम इंडिया में तो अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन से हम हम अच्छे हैं बट हम अभी भी लड़ किससे रहे हैं वेस्टर्न से राइट right? तो हमने इनफैक्ट लंडन में टीम एक्सपैंड करी कि हमारी ए आई मशीन लर्निंग टैलेंट हम इंडिया के बाहर बनाएंगे और सबसे बेस्ट लोग हायर करेंगे तो आज की डेट में हमारा मशीन लर्निंग टैलेंट पूरा यूरोप में है और बाकी सब लोग इंडिया में है

वो सारी ये सिलिकन वैली की जितनी भी कंपनीज है उन्हीं का रहा है मतलब यूएस की जितनी कंपनीज है उन्हीं का डोमिनेंस रहा है ग्लोबली अगर आप देखोगे और रीजनली ये डेवलप करना और इस लेवल तक लेकर आना आर सेइंग आपके 40 करोड़ दैट मींस 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स है पर मंथ पर मंथ ऑन दीज आर एक्टिव यूजर्स फॉर लाइक से वॉट डन क्यू ए के लिए ओपन करते हैं इसको प्लेटफॉर्म को uh, मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि सेल्फ uh, डाउट को लेके कि जब हम बहुत छोटे लेवल पे होते हैं और जस्ट स्टार्ट किया कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं है टू लुक अप टू एंड बाहर वाले लोग तो बोलते ही प्लस अपने फ्रेंड्स को जब आप देख रहे हो कि वो आपसे आगे बढ़ बढ़ें एंड आप कुछ आपके अंदर आपको खुद डाउट होने लगता है कि आप सच में कर सकते हो या नहीं तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए नहीं आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है इनफैक्ट Uh, जब वो जो मैंने फेसबुक ग्रुप वाला एग्जाम्पल आपको बताया था वो जिसमें व्हाट्सएप लोगों का था ये सेम चीज़ क्योंकि हॉस्टल में हुई थी मैंने अपने बगल के दोनों वाले रूम्स के लोगों को दिखाया था सब ने बोला ये क्या है और इससे क्या होता है इससे क्या होगा हम लोगों ने जब प्रोडक्ट बना दिया हमने इतने लोगों को पिच किया द स्मार्टेस्ट वीसीज ऑफ द कंट्री तो उन्होंने बोला यार हिंदी ऐप इसमें क्या होगा तो आपको 90% लोग आपका आइडिया नहीं समझेंगे अप्रिशिएट नहीं करेंगे यू आर द ओनली वन हु हैव टू बिलीव एंड इट इज़ अ वेरी टफ रोड ना कि अगर आप कोई आइडिया पे जा रहे हैं वो गलत भी हो सकता है पर आपको अपने अंदर ये सोचना है कि मैं किस चीज़ पे बैट कर रहा हूँ मेरी जम्पन क्या है ये क्यों चलना चाहिए आप उस पर ऑनेस्ट रहो कि मेरी जम्शन थी कि यार ये कॉन्टेंट का गैप है तो ये कंजम्पन होना चाहिए अगर वो फेल होता है तो फिर मैं मैं चेंज करूँगा किसी के बोलने पर नहीं करूँगा मैं खुद से ऑनेस्ट रहूँगा कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ उसके क्या रीजन है अगर वो रीजन सही है तो मैं करता रहूंगा अगर वो रीजन डिस्प्रूव होते हैं मार्केट से तो मैं नहीं करूंगा तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है ऑब्जेक्टिव रहना है और मतलब लोग बोलते रहेंगे उनका काम है बोलना उस पर आपको नहीं जाना है सर so, मोटिवेट कैसे रहे उस टाइम जब कुछ भी नहीं है मतलब कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिसको देखने को कि तो अचीवमेंट करना है ना वही तो मोटिवेशन है गुड पॉइंट देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जब अचीवमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या मोटिवेशन है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं yes, जब जो आपको चाहिए वो मिल गया तब क्या मोटिवेशन है अचीवमेंट जब तक नहीं हुआ तभी तक तो वो मोटिवेशन है वही तो ये कह रहे हैं यही तो मोटिवेशन है कि अचीव करना है yes, आप यहाँ पे आए हैं क्यों आए हैं मतलब आपको आपके अंदर जिद है ना वो क्या कुछ कुछ करना है वो है मोटिवेशन आपके अंदर थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन था कि बिकॉज आप आई आई टी एन रह चुके हैं तो उस समय आपके पास ऑप्शन था कि आप एक अच्छी कंपनी में अपना लाइक जॉब लेके और आराम से पैसे कमा के अपनी लाइफ गुजारते जो कि एक अच्छा ऑप्शन था बट आपने क्रिएट करने का कुछ और लोगों तक पहुंचने का ऑप्शन क्यों चूज़ किया उसके पीछे क्या झील क्या मोटिवेशन थी आई थिंक आई की प्लेसमेंट छोड़ने से पहले भी एक डिसीजन था मेरी लाइफ में तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि आई का ब्रांड था तो कर लिया बट उसके पहले जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था मैंने ट्वेल्थ में दो महीने बाद मैं एक, एक दिन स्कूल गया एकदम परेशान हो गया कि यार आठ घंटे बिताता हूँ मैं कुछ मेरे को मन भी नहीं है उससे बेटर मैं घर में सीख लूँगा मैं एक दिन वापस आया मैंने अपने घर वालों को बोला पेरेंट्स को बोला मैं स्कूल नहीं जा रहा और मैं घर में पढ़ूंगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हम आई के लिए प्रिपेयर कर करें तो वो कर लेंगे इंग्लिश और कंप्यूटर बचा है वो मैं खुद पढ़ लूँगा तब मेरे पास कोई वो नहीं था सेफ्टी नेट की आई का ब्रांड है कि नहीं बट एक कॉन्फिडेंस था और एक कैलकुलेटेड रिस्क था कि यार मुझे लग रहा है कि वो आठ घंटे में मैं कर लूंगा अपने आप इससे बेटर तो वो बट ले लेते हैं तो चाहे वो डिसीजन हो या प्लेसमेंट छोड़ने का डिसीजन हो इट इज ऑलवेज अ कैलकुलेटेड रिस्क कि मेरा अपसाइड क्या है मेरा डाउन क्या है अपसाइड यह है कि यार मेरे को फ्री टाइम मिलेगा मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगा डाउनसाइड यह है कि शायद मेरे बोर्ड्स में कम नंबर आ जाएंगे बट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए पढ़ रहे हैं वहाँ पे बोर्ड्स का परसेंटेज और उसका कोई कोरिलेशन है नहीं मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं था अब शायद चेंज हो गया हो तो आपको ये देखना कि अपसाइड क्या है डाउनसाइड क्या है और फिर डिसीजन लेना है तो ये ये भी एक आई थिंक आजकल एक फैट बन गया है कि कॉलेज छोड़ दो ये छोड़ दो क्योंकि आई थिंक संदीप सर आप आप भी <laughs> 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 मैं बिगाड़ रहा हूँ सब अभी वहाँ भी uh, <laughs> तो बट, बहुत बट, है सिलिकॉन वैली में बहुत है हाँ बट बट ये ये थोड़ा सा आई थिंक ओवर हाइप्ड है क्योंकि हम सब ने जब वो डिसीजन लिए थे

इमीजिएटली वो डिसीजन ले लिया मतलब जैसे इन्होंने कहा ना बेस्ट के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो देख करके फिर डिसीजन लिया कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा कि कहीं कुछ नहीं हुआ हाँ ठीक है इतना तो हो जाएगा एक डाउट था मेरे मन में कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होगा <laughs> आगे जा करके क्योंकि तो ये मेरे को डराया था कुछ घर वालों ने ये कह करके डराया था कि बेटे आगे जा करके ना शादी नहीं होगी ये नहीं होगा मैं कहा शादी की आप टेंशन छोड़ दो हो तो हो जाएगी मेरी बात हो गई है मैंने कहा ये एडमिशन वाला थोड़ा सा डाउट है मेरे को कि क्योंकि मैंने सुना था उस टाइम पे मेरे घर वालों ने बोला कि जब वहाँ पे जाते हैं ना किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए तो वो पेरेंट्स की भी जो वो होता है डिग्रीज वगैरह उसको चेक करते हैं उनका भी इंटरव्यू होता है ये होता है वो होता है बट अब अच्छी बात यह है कि जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैं कई बार एज अ चीफ गेस्ट जा चुका हूँ तो मैटर थैंक यू सो मच सर इट वॉज प्लेजिंग Thank right. right. you.